देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला बजट पेश कर निर्मला सीतारमण ने इतिहास रच दिया। घर का बजट महिलाओं के हवाले करने वाले इस देश में जब यूनियन बजट एक महिला ने संसद में रखा तो पूरे देश भर की निगाहें उन पर टिकी थी। इससे पहले रक्षा मंत्री के तौर पर सफलता से जिम्मेदारियों को पूरा करने वाली निर्मला सीतारमण खुद इतनी आत्मविश्वास से लबरेज दिखी जिसका अक्स उनके पहले बजट में भी नजर आया। कुल 2 घंटे 17 मिनट लंबे बजट भाषण में उन्होंने उर्दू, हिंदी, संस्कृत और तमिल दोहों का प्रयोग किया। इस दरमियान खास बात तो ये रही कि उन्होंने कोई भी ब्रेक नहीं लिया। समय के हिसाब से इससे पहले सबसे लंबा भाषण 2003 में जसवंत सिंह ने पढ़ा था। चाणक्य नीति सूत्र सेस कार्य पुरुषा करेन लक्ष्यम संपादयते, मीनिंग With determined human efforts, the task will surely be completed. An Urdu couplet. Pardon me my pronunciation. Yakin ho to koi rasta nikalta hai. Yakin ho to koi rasta nikalta hai. Hawa ki oat bhi lekar charag jalta hai. निर्मला सीतारमण सुबह 10:55 पर लोकसभा पहुंची और आगे की पंक्ति में बैठी। वित्त मंत्री को बजट से पहले उनकी सीट पर जाकर कई महिला सांसदों ने शुभकामनाएं भी दी। बजट भाषण पढ़ने से वित्त मंत्री ने माइक ठीक किया और अपने भाषण की शुरुआत जिस उर्दू शेर से की वो उनके आत्मविश्वास से भरी तैयारी को बताने के लिए काफी था। मंजूर हाशमी का ये शेर था, यकीन हो तो कोई भी रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। जब वित्त मंत्री ने विशाल भारत की इकोनॉमी को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बताया और कहा कि इस साल ये 30 खरब डॉलर तक पहुंच जाएगी, पिछले 5 साल में अर्थव्यवस्था का आकार 10 खरब डॉलर बढ़ा है, तो भारत की इस विशालता, उसकी सफलता और उसे इकोनॉमी में लीड करने में उनकी पहल निर्मला सीतारमण की खुद की मजबूत शख्सियत में भी साफ झलक रही थी। Our economy was at approximately 1.85 trillion US dollars when we formed the government in 2014. Within 5 years, it has reached 2.7 trillion US dollars. Hence, it is well within our capacity to reach the 5 trillion US dollars in the next few years. जब देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री सदन में कह रही थी कि उनके बजट का उद्देश्य मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक बनाना है, तो ऐसा लग रहा था जैसे एक माँ अपने घर परिवार के मजबूत भविष्य की योजना के लिए संकल्प ले रही हो। Our objective was and continues to be मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक। Mega programs and services which we initiated and delivered during those 5 years will now be further accelerated. इस एहसास के पीछे कई और वजहें थीं जो भारतीय परंपरा से उसके संस्कार को फिर से स्थापित करने जैसा था। आमतौर पर महिलाएं परंपराओं को आगे बढ़ाने में सबसे आगे रही हैं। इस बार का बजट संसद में पेश होने से पहले ही निर्मला सीतारमण की एक खास पहल की वजह से चर्चा में आ गया था। वजह थी पूरे देश की उम्मीदों का बजट लेकर जब कोई वित्त मंत्री संसद में प्रवेश करता था तो मीडिया सबसे पहले उनका ब्रीफकेस दिखाता था जिसमें बजट भाषण के पेपर होते थे। सालों से चल रही ये परंपरा इस बार बदली हुई नजर आई क्योंकि ब्रीफकेस की जगह था निर्मला सीतारमण के हाथों में बही खाता जैसे दिखने वाला बजट दस्तावेज।
इस बही खाते पर कलावा जैसा रिबन भी बना था और राष्ट्रीय प्रतीक भी बना हुआ था। सालों से देश की आर्थिक सेहत तय करने के लिए जिस पश्चिमी गुलामी के प्रतीक बजट शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे थे, उससे मुक्ति दिलाई निर्मला सीतारमण ने। उन्होंने इसे परंपरागत भारतीय संस्कार लौटाए और बजट की जगह पर नाम दिया बही खाता। अब इस पर तंज करने वाले भले ही ये कहें कि डिजिटल इंडिया में तो सब कुछ लैपटॉप में ही होना चाहिए, हम अतीत के प्रतीक को क्यों अपना रहे हैं, तो तंज करने वाले लोग परंपरा से जुड़े कई ऐसे सवालों के जवाब अपने घर परिवार में ही ढूंढ सकते हैं। वित्त मंत्री ने बजट में 1 करोड़ रुपए बैंक से निकालने पर 2% का TDS भी लगाया है, जिस पर आपत्ति जताते हुए उनसे जब सवाल किए गए तो उन्होंने पलट कर पूछ डाला, भरा 1 करोड़ कैश निकालकर कोई क्या करेगा। महिला वित्त मंत्री की चिंता में गरीब अन्नदाता किसान, मजदूर और युवाओं के साथ ही महिलाओं की चिंता भी लाजमी थी। इसलिए अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्होंने एक समिति गठन का भी प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह की मजबूती और उसके विस्तार की योजना को बजट में प्रमुखता भी दी। अन्नदाता क्यों ऊर्जा दाता बना नहीं सकते? अन्नदाता ऊर्जा दाता बनाने के लिए बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स हैं। डेयरिंग थ्रू कोऑपरेटिव्स शैल ऑल्सो बी एनकरेज्ड बाई क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कैटल फीड मैन्युफैक्चरिंग, मिल्क प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। निर्मला सीतारमण ने 2004 में बीजेपी से जुड़कर अपने सियासी सफर का आगाज किया था। इससे पहले 2003 में वो राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रही थी। बीजेपी में शामिल होने के 6 साल बाद यानी 2010 में वो पार्टी की प्रवक्ता बनाई गई। 26 मई 2014 को जब मोदी सरकार बनी तो उन्हें वित्त राज्य मंत्री और उद्योग वाणिज्य राज्य मंत्री बनाया गया था। 3 सितंबर 2017 को उन्हें रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिस पर वो अपने पहले टर्म के आखिर तक बनी रही। अक्सर सेना के जवानों की हौसला अफजाई करती नजर आने वाली रक्षा मंत्री के तौर पर उनकी सफल पारी ने ही उनमें प्रधानमंत्री मोदी का भरोसा भी बढ़ाया। उनकी लगन और एजुकेशनल बैकग्राउंड देखते हुए मोदी सरकार में वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री के तौर पर पेश किए गए अपने इस ऐतिहासिक बजट के जरिए उन्होंने हर सेक्टर का ध्यान रखकर इस नई भूमिका में भी अपनी लगन, उत्साह, कार्यक्षमता और आत्मविश्वास की झलक पेश की है। निर्मला सीतारमण ने आज देश की हर महिला को खुद पर गर्व करने का एक नया नजरिया दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।